हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड वेलकम टू इंग्लिश क्लास बच्चे सो चिल्ड्रन हाउ आर यू ऑल कैसे हो आप लोग होप यू ऑल विल बी फाइन ओके सो हेयर वी आर हैविंग विद चैप्टर नंबर सेवन ऑफ यू रूट्स एंड विंग्स दैट इज़ अ रोल मॉडल डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ऑल राइट येस टुडे वी विल कम टू नो अबाउट डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम पता है इनके बारे में ना ऐसी ऐसी बातें पढ़ोगे ना जिनको लेकर आपको भी लगेगा काश मैं भी ऐसा बन पाऊँ या ऐसी बन पाऊँ ओके okay. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल राइट सो चिल्ड्रेन दिस इज दार्ट वन विडियो इन विच वी विल एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर सेवन ऑल राइट ओके यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हैव यू एवर हर्ड या यू मस्ट हैव हर्ड एट लीस्ट वंस इन योर लाइफ टिल नाउ अभी तक क्लास में आप क्लास थर्ड तक आपने एक बार जरूर सुन रखा होगा Uh, आप उनके बारे में डिटेल्स नहीं जानते होगे बट आप उनको जानते होगे उनके नाम के बारे में सुना होगा आपने राइट यस ओके ए पी जे अब्दुल कलाम हाँ उनका नाम थोड़ा लंबा था ओके ए पी जे इट इट्स फुल फॉर्म इज़ अवुल पाकिर जैन अबिदीन ओके अवल पाकिर जैन आबिदीन अब्दुल कलाम ओके दिस वॉज हिज फुल नेम फाइन ओके ही वॉज द प्रेसिडेंट ओके ही वॉज द एलेवेंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया And as well as he was a scientist, also. He was a scientist and president. Fine. Yeah. And he was the 11th president. Fine. Let me write his school name. Okay. It was like A V U L Avul, P A K I R Pakir, J A I N U L A B D W N Abuddin, Janul Abdul Kalam this is the full name all right okay now we will talk about the work year he worked for a president he worked as the president from 2002 to 2007 okay this was the period okay 2002 to 2007 okay and he was died in died in 2015 he was died in 2015 okay yes so now let me start the chapter uh, at first, we should know some uh, information about the president, his work. Okay, see, some point is given here. The president of India is the head of the state and the first citizen of India. If someone asks you that who the first citizen of India, then your answer will be president of India. It means whosoever will be the president at that time, you will tell the name of that person. Okay, yeah, he or she is the, also the commander in chief of the armed forces. जो जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो क्या होते हैं वो हेड होते हैं स्टेट के और सब और इंडिया के वो फर्स्ट सिटीजन कहलाते हैं okay? के पहले नागरिक यू कैन से इन हिंदी आल्सो एंड दैट एंड दे विल बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सो ही और शी विल बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेज एंड देर हैविन थर्टीन प्रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के टाइम से हमारे पास कितने अब तक प्रेजिडेंट्स रह चुके हैं रह चुके हैं दैट इज़ थर्टीनथ ओके देर आर देर आर थर्टीन प्रेजिडेंट्स आर गिवन ऑफ द प्रेजिडेंट सी द फॉलोइंग प्रेजिडेंट्स विद द हेल्प ऑफ द बॉक्स नेम द फॉलोइंग प्रेजिडेंट सॉरी विद द हेल्प ऑफ द बॉक्स सी समर्स टू राइट द नेम ओके इन द गि दिस इज योर ए पी जे अब्दुल कलाम ये आपके ए पी जे अब्दुल कलाम हो गए फाइट मैं शॉर्ट में लिखती हूँ ओके आप समझ जाना नेम ऊपर दे रखा है okay? आप, पूरा आप से लिख सकते हो एंड इन द सेकेंड पिक्चर दिस इज योर रामनाथ कोविंद ओके रामनाथ कोविंद आप पूरा नाम आप ऊपर से लिख सकते हो फाइन एंड इन थर्ड पिक्चर दिस इज योर प्रणब कुमार मुखर्जी फाइन नीचे आ जाते हो ये प्रणब कुमार मुखर्जी फाइन मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एंड दिस इज योर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र प्रसाद okay so just uh, write it here okay from the box which is given there all right now coming to the story we are coming to the story we are going to the story read and enjoy dr apj abdul kalam was one of the greatest presidents of india he was very popular among students dr apj dr abdul kalam wrote many books which were, are very popular and liked by one and all द फॉलोइंग स्टोरी टेल्स यू हाउ ही रोज टू दिस एमिनेंट पोजिशन हेयर इज द स्टोरी अबाउट द डॉक्ट ए पी जे अब्दुल कलाम ओके एंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट प्रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया फाइन येस वॉज वेरी मच पॉपुलर ओके ही वॉज वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स एज वेल एज यूथो वो बच्चों में स्टूडेंट्स में एंड यूथ में बहुत ही फेमस थे बिकॉज वो उनको अपने कंट्री uh, का फ्यूचर मानते थे फाइन या एंड ही रोट मेनी बुक्सो सच एज um such as he wrote ignited minds wings of fire mission uh india 2020 there are so many books which he wrote okay yeah and see here's a uh, story yeah how he became such a powerful such a great person such a popular person because at the beginning he was not such a uh, such a type of person because he was very much poor at that time and he worked so hard so we will come to know about his life okay and he will come to know about that how he rose to this eminent position kasavo is the kumudpai fine okay let's start the uh, story the school bell ring and said to himself there goes the school bell it is welcoming me see here's the boy you can see the pic in the picture also see this is the boy whose name is deepak what is his name yes his name is deepak all right yeah and he's going to the school you can see him स्कूल यूनिफॉर्म ऐसे भी आपको लग रहा होगा स्कूल यूनिफॉर्म और कहाँ जा रहा है स्कूल yes, ओके okay? इस दीपक के बारे में भी स्टोरी है आप जानोगे उसके बारे में ओके या एंड हेयर दर्ड इज गिवेन गिवेन वाइंडिंग इट मीन्स सी वर्ड मीनिंग इज ऑल्सो गिवेन इन योर बुक वाइंडिंग मीन्स विद आल लॉर्ड्स ऑफ टर्नस एंड ट्विस्ट आपने रोड पर देखा है ना बहुत सारे ट्विस्ट होते टर्न होते हैं लेफ्ट में राइट में इस तरह से है ना बहुत सारे वहाँ पे टर्न एंड ट्विस्ट होते हैं तो जस्ट मेन ही वॉज गोइंग टू हिज स्कूल देन वाट ही ही वॉज गोइंग विथ हिज बैग ओके एंड देन ही हर्ड द स्कूल बेल रिंगिंग ओके उसको ना स्कूल की बेल की आवाज़ आती है देन वाट ही वॉज सेम सेल्फ वो खुद मन में बोलता है बच्चे अपने मन में नहीं बोलते बच्चे क्या बड़े भी बोलते हैं हम लोग भी बोलते हैं ऐसा नहीं है बच्चे बोलते हैं हम लोग खुद में बातें करते हैं ना ये या <laughs> तो देन ही वॉज सेइंग दैट अरे वाह ये जो स्कूल वेला ना मुझे बुलारी मुझे वेलकम कर रही है ओके बिकॉज ही वॉज से लाइक दिस यू नो वाई बिकॉज ही वॉज गोइंग टू द स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो बहुत दिनों के बाद स्कूल जा रहा था और आप लोग जब बहुत दिनों के बाद स्कूल जाते हैं बड़ा एक्साइटमेंट रहता है रहता है या नहीं इस्पेशली जब न्यू सेशन स्टार्ट होती है तब बच्चों में ना नई नई बुक्स होती बच्चों के पास न्यू बुक्स रहते हैं वो उन बुक्स के साथ इतने एक्साइटेड रहते हैं स्कूल जाने को न्यू बुक्स न्यू नोट पेंसिल से रेजर पेन किसी के बैग भी न्यू होते हैं बच्चे बड़ा एक्साइटेड होते हैं राइट right? या yeah. या फिर आप बहुत दिनों के बाद समर ब्रेक के बाद स्कूल जाते हो तो बड़ा एक्साइटमेंट के साथ जाते हो जबकि आपके कितने दिनों की इंटरवल होती है जस्ट फॉर वन मंथ न्यू सेशन में भी आपके वन वन मंथ ही होते होंगे मार्च में एग्जाम फिनिश होते हैं आपके अप्रैल से आपकी न्यू सेशन स्टार्ट होती है तो आप इस वन मंथ में आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो स्कूल जाने के लिए तो आपको पता ही है दीपक ना आफ्टर ही इज़ गोइंग टू द स्कूल आफ्टर वन ईयर या एक साल के बाद स्कूल जा रहा है तो आप सोच सकते हो आप इमेजिन कर सकते हो उसके एक्साइटमेंट के बारे में है ना हूँ अच्छा आप लोग बताना कितने लोग एक्साइटेड होते हो न्यू सेशन में जब आ, स्कूल जाना होता है जब आ, वि, विंटर ब्रेक समर ब्रेक के बाद बच्चे उतने नहीं होते एक्साइटेड जितना कि ना न्यू सेशन में होते हैं एग्ज़ाम के बाद जो आ, उनका जो न्यू क्लास स्टार्ट होता है ना बड़ा ही खुश होते हैं मैं न्यू क्लास में जाने वाला हूँ कितने होते हो आप लोगों में से कौन कौन ऐसा मतलब आप लोगों को किसे किसे ऐसा लगता है जस्ट कमेंट मी डाउन मुझे बताना कमेंट करके हैव विल रीड योर कमेंट्स या ऐसे में सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ ओके एज ही रैन इन द गी गल्स एंड चैटर ऑफ अथ चिल्ड्रेन ग्रेटेड हिम दीपक एंटर द क्लास रूम एंड सेट ऑन अ सीट नियर द विंडो इज फेवरेट कॉर्नर और जैसे वो वेन ही इंटर द स्कूल देन देर वार देर लॉट ऑफ नॉइज ऑफ़ चिल्ड्रेन देवर जस्ट लाफिंग देवर जस्ट शाउटिंग ओके जैसे स्कूल में क्या होता है बहुत शोर शराबा होते हैं ना बच्चे है ना कोई हंस रहा है कोई बोल रहा है कुछ रोते भी हैं इस तरह से बहुत सारी आवाज़ें आती हैं जब आप स्कूल में इंटर करोगे ना अचानक से आपको आवाज़ें बहुत सुनाई पड़ेंगी और जब फिर कुछ देर बाद ना आप उसके यूज्ड टू जाते हो होबिटेटेड हो जाते हो उस चीज़ की तो फिर उतने नॉर्मल लगती है जब आप इंटर करते हो तो तब ज़्यादा आपको शोर शराबा सुनाई पड़ती है राइट या एंड देन वेन ही वेंट टू द स्कूल देन अदर चिल्ड्रन ग्रीटेड हिम सारे बच्चे जो दूसरे बच्चे थे उन्होंने उसका वेलकम किया ग्रीट किया बिकॉज वो अगर कोई दूसरे बच्चे आते हैं ना बहुत दिनों के बाद या फिर आ, कोई न्यू बच्चे आते हैं तो आप लोग उसको वेलकम करते हो ग्रीट करते हो नहीं है ना या इन द सेम वे दीपक इंटर द क्लास रूम एंड ही इंटर द क्लास रूम देन ही जस्ट टेक अ सेट एंड ही सेट अ सीट नियर द विंडो ही टुक द सीट नियर दंडो एंड दैट वॉज हिज फेवरेट कॉर्नर किसी किसी बच्चों का ना फेवरेट सीट होता है विंडो के पास बैठना किसी का पीछे बैठना बैंक बेंचर्स जो होते हैं किसी किसी को ना पीछे बैंक बे, बैक बेंच पे बैठना बहुत अच्छा लगता है ये सारे होते हैं स्कूल की थोड़ी होती है ये चीज़ ही टू कॉट इज बुक एंड द क्लास टीचर इंटर्ड और देन गुड मॉर्निंग माम ग्रेटर द स्टूडेंट्स एंड देन फिर वो उसने अपनी बुक निकाली एंड देन uh, जो क्लास स्टार्ट एट फर्स्ट क्लास टीचर कम्स ना इन द फर्स्ट पीरियड यू मस्ट देर विल बी ओर क्लास टीचर ना जब फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होती है तो कौन आता है क्लास टीचर आते हैं right yes then in the same way here again the class teacher has come okay and all the students have started greeted uh, that teacher good morning ma'am and that was female teacher okay yes so she smiled and looked around good morning dear children and when you, when you, when you, when you, Or ma'am yes good morning dear children in the same way this teacher has also told today we will read about uh, very famous person who was also the president of our country here the ma'am has told that we will read about a very famous person and obviously that was that was Epiz abdul kalam right yes look at this picture and let me see how many of you can guess his name and then in the they all have opened their book and then teacher started saying that uh, by looking at the book she said that look at your book and look at the picture given in your book एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई हुज पिक्चर इट इज ओके एंड जैसे आपने भी गेट सेट में किया ना पिक्चर आइडेंटिफाई किया इसी तरह यहाँ टीचर ने यहाँ भी पूछ रखा जैसे मैं आप, आप लोगों से पूछ रही थी ना वैसे ही देन hmm. सारे बच्चे ऑल द स्टूडेंट स्टार्ट इट शॉर्टिंग दे स्टॉटेड ए पी जे अब्दुल कलाम देन टीचर सेट येस शीज सेट ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ दीपक लाइक अदर्स ओपन हिज बुक एंड वेटेड he had started coming to school after a gap of one year, मैंने कहा ना कि वो one year के बाद आया था hmm. then सारे बच्चों ने book खोला एंड देन uh, फिर उसके बाद है ना आफ्टर हीज ही स्टार्टड कमिंग टू स्कूल gap of one year हाँ और जो जैसे मैंने बताया था कि जो दीपक है वो कितने साल के बाद आ रहा था school उसने एक साल तक ना अपनी पढ़ाई छोड़ रखी थी and what, a, what was the reason you will come to know here आफ्टर हिज फादर्स डेथ इन द सिटी इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिज मदर टू सेंड हिम टू स्कूल क्या होता है ना कि इसके जो फादर थे उनकी डेथ हो गई थी एंड देवर नॉट हैविंग सो मच मनी ओके देवर इन दिटी एंड देवर नॉट हैविंग दैट मच मनी टू सर्वाइव इन द सिटी दैट्स वे दे केम टू द विलेज ओके एंड दैट्स वे हर सॉरी हिज मदर वॉज ऑल्सो अनेबल टू सेंड हिम टू स्कूल पैसे की कमी होती है तो बच्चे को अपने बच्चे को ना पेरेंट्स नहीं स्कूल भेज पाते राइट right? या yeah. तो वैसा ही यहाँ भी हो रखा था दीपक के साथ दे शिफ्ट टू विलेज एंड शी स्टार्टेड वर्किंग इन द फील्ड्स टू ऑनर लिविंग और इसकी मदर कहाँ आ गई थी अपने बच्चे को लेकर मतलब दीपक को लेकर विलेज आ गई थी ओके एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग इन द फील्ड इट मीन्स वो शी वॉज शी स्टार्टेड मतलब जो खेतों में काम करना शुरू कर दिया उसने ताकि कुछ अर्न कर सके एंड सो दैट दे कैन सर्वाइव देयर लाइफ फाइन या दीपक wanted टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर बट his ड्रीम was shattered. लाइफ went ऑन एंड वन मॉर्निंग ही सो अ बिग बोर्ड एट द village क्रॉसिंग और उसकी जब फादर की डेथ हो गई ये लोग विलेज आ गए तो विलेज में ना इनको स्कूल नहीं मिला इसकी पढ़ाई रुक गई थी जबकि जो दीपक है ना ही वॉन्टेड टू बिकम अ पुलिस ऑफिसर अच्छा आप लोगों की भी एम्बिशंस होंगे ना कि हाँ आप लोगों को ये बनना है किसी को बड़े होकर पायलट बनना किसी को बड़े होकर डॉक्टर बनना है किसी को इंजीनियर किसी को टीचर तो आप लोगों में से क्या आप लोग क्या बनना चाहते हो ना आप मुझे कमेंट में ये भी लेकर बताना ओके okay? मैं पढ़ूँगी आप लोगों के कमेंट्स फाइन कौन क्या बनना चाहते हो आप लोग फाइन ओके एंड हाँ अपने नेम भी लिखना ताकि ना मैं आप लोगों को जान सकूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी नए पर्सन को जानना किसी से मतलब फ्रेंडशिप हो जाना ओके okay? या yeah. तो यहाँ आ, दीपक को ना पुलिस ऑफिसर बनना था बट इट वाज हिज बैड लक कि उसकी जो पढ़ाई थी उसकी जो ड्रीम थे ना दैट वॉज शैटर्ड मीन्स वॉट डिस्ट्रॉयड यू कैन से इट मीन्स इट वॉज जस्ट अगर किसी की पढ़ाई रुक जाएगी तो इट मीन्स वॉट उसकी जो ड्रीम है वो शैटर्ड हो गई है ना दैट वॉज डिस्ट्रॉयड लाइफ वेंट ऑन एंड वन मॉर्निंग ही सॉ बिग बोर्ड एट दिलेज क्रॉसिंग वन वॉट है जो विलेज uh, में ही कहीं एक बोर्ड लग रखा था कि यहाँ न्यू स्कूल ओपन होने वाली है कहीं पर बोर्ड लगा था कि वहाँ विलेज में स्कूल खुल रहे थे ओके एंड आफ्टर सीइंग दैट बोर्ड दैट दीपक वाज वेरी मच हैप्पी वो जो दीपक था ना वो बड़ा ही खुशुरी यहाँ स्कूल खोल रहा है इट मीन्स आई कैन गो टू द स्कूल मैं वो स्कूल जा सकूँगा एंड आई कैन स्टार्ट माई स्टडीज़ अगेन और उसे लग रहा था मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकूँगा एंड आई विल फुलफिल माई एम्बिशंस आई विल फुलफिल माई ड्रीम्स मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊँगा नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ The villagers had gathered around the big board and were discussing in excited voices. और जब सारे villagers को मतलब जो villagers means the people who live in village means गाँव वाले जब उनको ये पता चला ना तो then they just gathered around that board. वो लोग सारे वो लोग सारे मिलकर ना board के चारों ओर खड़े हो गए and then they were very much excited. सारे खुश थे कि अब आप अपने बच्चों को school भेज सकेंगे हमारे बच्चे भी educated हो सकेंगे है ना Yes, एंड दे वार डिस्कसिंग अबाउट दैट इन एक्साइटेड वॉइसिस सब आपस में बातचीत करने लगे डिस्कस करने लगे दे सेट दैट अ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज सेटिंग अपूल फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ टेन सराउंडिंग विलेजेस ऑल द चिल्ड्रेन वुड बी प्रोवाइडेड एजुकेशन बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस स्कूल वॉज ओपन बाई अ इंडस्ट्रियलिस्ट ओके बाई एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड यू वॉर सेटिंग अप दैट स्कूल फॉर द चिल्ड्रेन ओके ऑफ टेन सराउंडिंग विलेजेस दस गाँव को मिलाकर एंड देन ताकि सो दैट ऑल द चिल्ड्रन कैन बी एजुकेटेड एंड दे विल बी गेट फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स यूनिफॉर्म्स ओके एंड एजुकेशन उनको ना एजुकेशन जो है बुक्स है यूनिफॉर्म सारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगे वहाँ इट वॉज ट्रूली अ ब्लेसिंग फॉर मेनी सच में ये ब्लेसिंग थी उन लोगों के लिए राइट है ना अगर ऐसा किसी के साथ हो जाए जिनके पास पैसे नहीं हो पढ़ने के लिए और उनको ऐसे स्कूल मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाए तो कितने वो खुश होंगे होंगे कि नहीं जस्ट इमेजिन करो आप जस्ट सोचो यू शुड थिंक अबाउट दैट आप लोगों को तो हर चीज़ अवेलेबल हो है आप लोगों के पास अवेलेबल है बट उन बच्चों के बारे में आप सोचो ना जिनके पास पढ़ने के लिए एक, एक नोटबुक नहीं है एक पेंसिल तक नहीं है पढ़ने के लिए छोड़ो उनके पास खाने को कुछ नहीं है उनके पास पहनने को कुछ नहीं है आप उन बच्चों के बारे में आप सोचा करो और जहाँ कहीं आपको ऐसे लोग दिख जाए सिर्फ बच्चे क्या बड़े भी दिख जाए यू शुड हेल्प देम ओके आप उनकी हेल्प करना हमेशा हेल्प करना उनको कभी भी नज़रअंदाज मत कर देना कि हाँ जस्ट इग्नोर दैट नहीं आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए यू शुड हेल्प दैट पर्सन फाइन ओके एंड दीपक वॉज वेरी विद इन मंथ्स द स्कूल वॉज फंक्शनल एंड दीपक वॉज वेरी हैप्पी टू रिज्यूम हिज स्टडीज हिज मदर गॉट अ हेल्पर्स जॉब इन द सेम स्कूल एंड वेन दैट स्कूल वॉज ओपन देन ही टूक एडमिशन दीपक टूक एडमिशन दैट स्कूल एंड देन ही स्टार्टेड हिज स्टडीज एंड हिज मदर गॉट अ हेल्पर्स जॉब्स मतलब इसकी जो मदर थी ना वो उसी स्कूल में एक हेल्पर जॉब का उसने वो अप्लाई किया एंड देन वो वहाँ जॉब करना शुरू करती है वो वहाँ वर्क करना शुरू कर दिया उसने उसकी मदर ने सो दैट शी कैन आल्सो अर्न सम मनी ओके ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज दैट इज़ पेज नंबर नाइन्टी दीपक कैन यू रीड द लेसन फॉर अस हेयर द टीचर इज सेइंग टू द दीपक दैट कैन यू रीड द लेसन फॉर अस क्या तुम इस लेसन को पढ़ सकती हो पढ़ सकते हो से द टीचर ही कॉन्फिडेंटली रिप्लाइड उसने बड़ा ही कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट होकर बोला येस मैम ही राउड अलाउड And then he started reading that uh, lesson Abul Pakir Janul Abdin Abdul Kalam, popularly known as Dr. A. P. J. Abdul Kalam, was an Indian scientist who was also the 11th president of India, as I already told you in the uh, starting. I know that he was the 11th president of India, and his full name was Abul Pakir Janul abdin Abdul Kalam, right? Yes. He was born on 15 October 1931. And when was he born? He was born on 15th October. नाइनटीन थर्टी वन एट रामेशम इन तमिलनाडु इन साउथ इंडिया दिस इज़ द बर्थ प्लेस हिज़ फादर जैनिद्दीन वॉज अ बोट ओनर एंड हिज़ मदर आशियामा वॉज अ हाउस वाइफ उसके जो फादर थे वो क्या थे ही वॉज अ बोट ओनर ओके और जो उसकी मदर थी दैट हाउस वाइफ एंड द नेम ऑफ हिज मदर इज़ आश्यामा एंड हिज़ फादर जैन आबिदीन जिनका उन्होंने टाइटल लगा रखा अपने नाम में भी

एंड द कलाम लव हिज फैमिली वो अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार करते थे ही इज कोड एवरेज मार्क्स इन स्कूल बट वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट ही इज पेंच आवर स्टडिंग स्पेशली मैथेमेटिक्स आफ्टर स्कूल कलाम डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज पेपर्स टू अन मनी और ये जो uh, कलाम है ना क्या था कि पढ़ाई मतलब कि पहले अर्ली वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट उसके उनके जो मार्क्स आते थे वो एवरेज मार्क्स आते थे बट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग वो जो थे ना वो हार्ड वर्किंग थे इंटेलिजेंट थे बट ऐसी सिचुएशन थी उनके पास कि उनको पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाते थे या फिर आ, उनके घर में जो उनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं पाते थे है ना तो इस कारण से जो उसके मार्क्स थे वो क्या थे एवरेज मार्क्स आते थे एंड देन उसने क्या किया जब एवरेज मार्क्स स्कोर करने लगे तो देन ही स्टार्टेड स्पेंडिंग आवर्स स्टडिंग स्पेशली मैथमेटिक्स एंड ही वॉज ही स्टार्टेड स्टडिंग उन्होंने मतलब कि स्कूल के बाद जो पढ़ाई का अपना टाइम देता था तो वो शाम में या रात में जो कह लो आप फिर उन्होंने काफ़ी लंबा काफ़ी अच्छा समय दिया अपनी पढ़ाई की तरफ एंड देन स्पेशली मैथमेटिक्स उन्होंने ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस पर फोकस किया मैथमेटिक्स पर दैट मस्ट बी हिज फेवरेट सब्जेक्ट ओके या फिर उनको ऐसे फील्ड में जाना हो जहाँ मैथमेटिक्स ज़्यादा जरूरत हो राइट सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे बट मैथमेटिक्स पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया एंड आफ्टर स्कूल जब स्कूल उनकी ख़त्म होती थी ना वो जाकर क्या करते थे ही वर्क एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मतलब वो न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों तक सो दैट ही कैन अर्न सम मनी ओके या बाई डूइंग सो नौ नेक्स्ट पैराग्राफ ही स्टडीड एट रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल वंस अब्दुल कलाम कम्प्लीटेड स्कूल ही वेंट टू सेंट जोसेफ्स कॉलेज तिरुचिरापल्ली आफलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड देन ही स्टडीड इन विच स्कूल दैट वॉज रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल ओके जब वो स्कूल में थे देन वो उन्होंने यहाँ पढ़ाई की एंड देन वैन ही वेंट टू द कॉलेज एंड देट वॉज ही टुक एडमिशन इन द आफ्टर कम्प्लीटिंग स्कूल ही टुक इन द एडमिशन टू द कॉलेज दैट वॉज सेंट जोसेफ्स कॉलेज इन तिरुचिरापली ओके एंड दैट वॉज एफलेटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ये जो कॉलेज थी वो यहाँ से अफोलेटेड थी ओके ही ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स इन नाइनटीन फिफ्टी फोर एंड मूव टू मद्रास देखो आप लोग अभी स्कूलिंग कर रहे हो टेंथ करोगे ट्वेल्थ कर लोगे एंड देन उसके बाद आप है ना ग्रेजुएशन करोगे राइट right? उसके बाद आप होती है ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है तो उसी तरह जब उन्होंने ट्वेल्थ कर लिया उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किससे किया इन फिजिक्स मीन्स जो उनके मेन पेपर थे डेट वॉज फिजिक्स एंड इन द ईयर नाइनटीन फिफ्टी फोर ओके या एंड देन आफ्टर दैट ही मूव टू द मूव टू मद्रास नाउ द नेम ऑफ द मद्रास इज नाउ चेन्नई अब उसके जो नेम हो क्या हो रखे चेन्नई हो रखे हैं, चेंज हो रखे हैं, इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव फिर वो वहाँ से फिजिक्स करने के बाद चिर, uh, तिरु चिरा तिरुचिरापली से फिर वो कहाँ आ गए यहाँ आ गए मद्रास में एंड देन टू स्टडी एरोस्पेस इंजीनियरिंग और उन्होंने कौन सी पढ़ाई की एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की इट मींस दैट एन इंजीनियरिंग कोर्स है दिस इज योर इंजीनियरिंग कोर्स ओके टू स्टडी अबाउट एयरक्राफ्ट एंड स्पेस व्हीकल्स आप इसमें एयरक्राफ्ट के बारे में स्पेस व्हीकल्स के बारे में स्टडी करोगे इस कोर्स में वंस द डीन वॉज नॉट हैप्पी विद हिज वर्क एंड वॉन्टेड हिम टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट इन टू डेज टाइम और जो वहाँ के जो डीन uh, थे वो जो हेड थे वो उसके वर्क से हैप्पी नहीं थे वे ही वॉज ही वॉज देयर देन हिज डीन वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज वर्क एंड सो ही वॉन्टेड हिम टू कम्पलीट हज प्रोजेक्ट इन टू डेज़ टाइम उन्होंने उस उनको एक दो दिन का टाइम दिया कि ये जो प्रोजेक्ट है उसे आप कंप्लीट कर लो दो दिनों के अंदर ओके अब्दुल कलाम वर्कड वेरी हार्ड एंड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट ऑन टाइम टू द डीन सरप्राइज एंड जो अब्दुल कलाम आज़ाद थे उन्होंने क्या किया ही जस्ट uh, उन्होंने अपने सारे जो प्रोजेक्ट थे उन्होंने टाइम पर कम्प्लीट कर लिया एंड देन वेन ही कम्पलीटेड दिस देन हिस डीन वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड उन्होंने वो ना सरप्राइज़ वगैरह वह

किसके साथ डीआरडीओ के साथ द फुल फॉर्म ऑफ डीआरडीओ इज दिस इज योर जनरल नॉलेज यू शुड नो इट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल राइट एंड विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इसरो फुल फॉर्म इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने इनके साथ भी काम किया डी के साथ इसरो के साथ ही वॉज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल एस एल वी थर्ड विच डिप्लॉइड अटेलाइट कॉल रोहिनी इन जुलाई नाइनटीन एटी और फिर उन्होंने कहाँ उसके बाद फिर वो कहाँ वो उन्होंने एक डायरेक्टर के एज अ डायरेक्टर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की तरह वहाँ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिया सेटेलाइट को लॉन्च किया ओके एंड दैट वाज एस एल वि थर्ड ओके और उसका क्या नाम था डेट वॉज एस एल वि थर्ड एंड देन उन्होंने इसे लॉन्च किया उसके बाद फिर विथ डिप्लाईडे ऑफ सेटेलाइट कॉल रोहिणी इसके बाद इसका अरेंज करने के बाद इसको रिलइज़ करने के बाद इसका नाम को चेंज करके रखा गया रोहिणी इन जुलाई नाइनटीन एटी ओके यस He is called the missile man of india who is called the missile man of india yes dr apj abdul kalam is called the missile man of india this is again your general knowledge question if someone asks from you that who is the missile man of india then your, your answer should be apj abdul kalam okay he also played an important role in india's pokhran 2 nuclear test in 1998 and again there was a <clears throat> there was a nuclear test in 1998 then he played an important role in a both उसमें हेल्प किया इस चीज़ में एंड देन देट वाज ओके दैट वाज इंडिया पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट वाइट ओके ना कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट पेज सी द पिक्चर ऑफ़ द ए पी अब्दुल कलाम ऐसे अपने फर्स्ट पेज पर भी देख रखा था हे अगेन यू कैन सी ओके अब्दुल कलाम वॉज इलेक्टेड द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इन टू जैसा कि आपको मैंने बताया था ना uh, उनके जो वर्किंग पीरियड थे डेट वॉज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू थाउजेंड सॉरी मैं ट्वेंटी टू क्यों बोल रही हूँ बार बार टू थाउजेंड टू 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 थाउजेंड सेवन ओके दिस वॉज द वर्किंग पीरियड ही एज अ प्रेजिडेंट ही वॉज अ विजिटिंग प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर एंड ही वॉज ए विजिटिंग प्रोफेसर मीन्स वॉट कभी कभी वो क्लासेस लेने जाया करते थे इन इंस्टीट्यूट में जैसे कि हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में ये इंस्टीट्यूट एंड इन इंदौर देर वॉज एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ओके इंदोर इंस्टीट्यूट में वो जाकर विजिटिंग प्रोफेसर की तरह क्लास लेते थे मतलब ही वॉज नॉट द रेगुलर प्रोफेसर इन दिन दो इंस्टीट्यूट कभी कभी वो जाकर वहाँ क्लासेस लेना इट मींस दैट विल बी कॉल्ड एज विजिटिंग प्रोफेसर ऑल राइट या ही वॉज ऑल्सो द चांसलर ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम और वो <clears throat> त्रिरुवनंतपुरम के जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी वहाँ भी वो वो क्या थे चांसलर थे वहाँ के ओके या अब्दुल कलाम वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही रोट मैनी फेमस बुक्स लाइक ही रोट मैनी फेमस बुक्स मैंने कुछ के नाम सबको बताया रखा था नेम्स मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको राइट येस अच्छा हमने तो इतनी सारी कहानी पढ़ ली है ए पी अब्दुल कलाम के बारे में है ना क्या जो मैं पढ़ा रही हूँ अच्छा लग रहा है मज़ा आ रहा है पढ़ने में इन्जॉय कर रहे हो आप कुछ नया जानने को मिल रहा या नहीं है ना थोड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें सुनने को मिल रही है कहानी नॉर्मल कहानी तो सबको सुनाते हैं दादा नाना आपके सुना देते होंगे दादी नानी बट ये चीज़ इनके बारे में डिटेल में जानना आप उतना आप नहीं सुन पाते होंगे नहीं जान पाते होंगे ना तो आपको बुक में मैं आपको बता रही हूँ इतनी अच्छी चीज़ें बता रही हूँ ये आपकी और ऐसी ऐसी चीज़ें ना जो आपको फ्यूचर में भी काम आएँगे आपको इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल ही रही है आपको नॉलेज तो मिल ही रही है आपके कंपटीशन के लिए भी ये हेल्पफुल है ओके फाइन ओके सो मैं एक और रिक्वेस्ट कर लूँ आपसे <laughs> बच्चों अगर मेरी टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आती हो अगर मेरे वीडियोज़ आपके हेल्पफुल है आपके स्टडीज़ में देन डू सब्सक्राइब माई चैनल जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको एंड हिट द लाइक बटन ऑफ ऑल द वीडियोज़ कुछ बच्चे सब्सक्राइब कर तो लेते बट लाइक नहीं करते वीडियोस को ऐसा लगता है ना कि उनको वीडियो पसंद नहीं आई ये मानो भरत मैम नहीं अच्छी लगती है पढ़ाते हुए है ना नहीं अच्छा पढ़ाती है ऐसा लगता है क्या मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है कि मुझे ऐसी वाली वेब्स आ रही है ओके <laughs> सब्सक्राइब okay, भी कर लेना एंड लाइक भी कर लेना आप फाइन ओके सो अगेन कमिंग टू द स्टोरी कमिंग टू द चैप्टर सी बुक्स के नेम मैंने तो एक दो बता रखा था आपको दो तीन मैंने बताया था तीन नेम यहाँ और भी हैं सी लाइक इंडिया ट्वेंटी ट्वेंटी ऑविजन फॉर द न्यू मिलेनियम इग्नाइटेड माइंड्स विंग्स ऑफ फायर

यस yes, वो चिल्ड्रेन को वो स्टूडेंट्स को वो यूथ को क्या मानते थे कि ये हमारे फ्यूचर है हमारी कंट्री के ओके द टीचर सेड गुड रीडिंग दीपक आई एम सो प्राउड ऑफ यू नाउ द स्टोरी हैज फिनिस्ड इन दीपक्स बुक दीपक की बुक की जो स्टोरी है वो फिनिश हुई देन वेन ही कम्प्लीटेड रीडिंग देन हिस्स टीचर सेट दैट गुड रीडिंग बहुत अच्छा पढ़ा तुमने आई एम सो प्राउड ऑफ यू हुट दिस ये टीचर लेट अस ऑल क्लैप फॉर हिम द चिल्ड्रन क्लैप लाउडली बट दीपक वॉज लॉस्ट इन हिज थाउट्स सारे बच्चे उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे बट जो दीपक है ना कहीं खोया खोया था कुछ बच्चे ना कहीं कहीं खो जाते हैं है ना कुछ अपनी पास्ट याद करते कुछ अपने अपने ड्रीम्स के बारे में सोचने लग जाते हैं कुछ है ना जो कुछ बुरा हुआ उनके सारे में वो चीज़ सोचने लगते वो मोमेंट्स को याद करने लगते कुछ कभी कभी खो जाते हैं और देखो दीपक क्यों खो रखा था वाई वॉज ही लॉस्ट इन हिज थाट्स on his way back from school he was quiet and whenever he was going to his home, um after the dispersal from his school then he was again quiet wo chup chap tha at night dekho क्यों tha at night he told his mother, mama, I want to become a scientist like dr A.P.J. Abdul Kalam, because उसने वो इसलिए चुपचाप था क्योंकि उसे ना doctor A.P.J. Abdul Kalam बनना था। अब उसे लग रहा है कि मैं कैसे बनूँगा? There were so many questions in his mind. That's why he was lost in his thoughts. देन हर मदर सॉरी हिज मदर स्माइल एंड हकड हीम वट डज देट मीन बट आई एम श्योर यू विल डू वेल दीपक फेल्टप्पी उसने बोला मोमा मैं ना डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ उनकी तरह बनना चाहता हूँ जैसे उन्होंने इतने सारे अचिवमेंट्स लिया है तो उन्हीं की तरह मैं भी बनना चाहता हूँ मैं भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपनी कंट्री के लिए दैन हिज़ मदर स्माइल वो बड़ा ही स्माइल करके उसने अपने बच्चों अपने बच्चे को हक किया बट शी डी डिट नो अबाउट ए पी जे अब्दुल कलाम बिकॉज शी वॉज नॉट डेट मच एजुकेटेड वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी उसकी मदर तो वो नहीं जानती थी हु इज़ ए पी जे अब्दुल कलाम तो उसने पूछा कि ये वॉट डज़ दैट मीन इसका क्या मतलब है क्या मतलब किसके तरह बनना चाह रहे हो शी वॉज लाइक दैट ओके तो लेकिन उसे लगा कि मेरा बच्चा अगर जो बोल रहा है वो तो कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा वो कुछ सोच समझ कर बोल रहा होगा देन उसकी मदर ने कहा आई एम श्योर यू विल डू वेल तो उसने कहा या मुझे पता है बच्चे कि तुम कुछ अच्छा करोगे कुछ अच्छा बनोगे

exercises we will will be discussing part two, questions are, uh, true false everything. Fine. Right? So to learn. Have a good day. Bye bye and keep learning.